अच्छा डिट किया और स्टोरी भी बहुत अच्छी है और जितनी अच्छी स्टोरी थी उतना अच्छा काम करने के लिए हम लोगों को मज़ा आया। और अभी म्यूजिक लॉन्च का फंक्शन है तो सभी आए, आप भी इस खुशी के मौके पे यहाँ पे आए तो आप सभी का धन्यवाद। जब रिलीज होगी तो मित्तल के डिस्ट्रीब्यूशन से ये फिल्म मित्तल की हो जाएगी, यानी बहुत सारा पैसा कमाएगी और करके कमा के फिर पार्ट बनेगा अमीर कमाल के, बहुत सारे पैसे आएंगे इनके पास में। ये मेरी शुभकामनाएं हैं और इस फिल्म के लिए, क्योंकि सारे कलाकार बड़े जाने पहचाने हैं, सबके सब अपने अपने क्षेत्र में नंबर वन है, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। नरेंद्र मोदी जी अगर यहाँ पर आते तो शुभकामना देते आपको, कहते मित्र कर गए कमाल, मित्र अगर आप लोग मुझे वोट करेंगे और मुझे खुद दोबारा पीएम बनाएंगे तो आप लोग सब हो जाओगे लड़के कमाल के, क्योंकि इलेक्शन लड़के हम कमाल के हो गए, तो करके कमाल के जो है ये टाइटल बदल जाएगा और आप सबको बहुत मान मिलेगा, इस फिल्म से बहुत इज्जत और शोहरत मिलेगी, यानी कि आप फिल्म लाइन के पीएम बन जाएंगे जैसे मैं बनूंगा। मित्रों मत रहो, तो ये सारी शुभकामनाएं आपको, आप ऐसे ही खुश रहिए, आबाद रहिए। आजम खान के शैल में कहूंगा ये जो फिल्म है करके कमाल के, इसको अंदर तक जानता हूं मैं, इस फिल्म के कहानी के अंदर तक छांक चुका हूं मैं। ये फिल्म 17 करोड़ कमाएगी, 17 करोड़ कमाएगी, ज्यादा ज्यादा कमाएगी, ज्यादा कमाएगी, ज्यादा 17 करोड़ सिर्फ बॉम्बे में कमाएगी। इसमें शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान भी देखने आएंगे और इसको अभी से दुआ दे रहे हैं आजम खान, इसके बाद इस फिल्म को रामपुर में भी लगाना, लेकिन बड़ा पर्दा पे लगाना, जया पर्दा पे नहीं। अब इसके बाद में हमारे राहुल गांधी जी कहेंगे देखो भैया ये फिल्म को, देखो भैया इस फिल्म को, देखो भैया इस फिल्म को अमेठी में लगाना भैया, वायनाड में लगाना भैया, ये तो मेरे क्षेत्र है वहां तो लगाना भैया, वहां के लोग एंटरटेनमेंट पसंद करते भैया, कॉमेडी पसंद करते भैया, अगर वहां के लोग कॉमेडी नहीं पसंद करते तो मुझे क्यों चुके देते। तो भैया आपके चार लोगों के बारे में विचार नहीं करते, बोले कौन चार लोग, मैं, मेरी मम्मी, मेरी दीदी और मेरे शीशा, लेकिन आप लोग विचार कीजिए, अब देखिए जितने करके कमाल के हैं भैया, अगर मैं छूट के आऊंगा तो सब अमीर कमाल के हो जाएंगे। तो सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, आप लोग ऐसे ही खुश रहिए, आवाज रहिए, और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द ये फिल्म रिलीज होने वाली है और 24 मई को, 24 मई को, यानी ये मई का जो महीना है पूरा इलेक्शन का ही महीना है, तो मतदाता इलेक्शन करेंगे और जो दर्शकदाता है वो इस फिल्म का सिलेक्शन करेंगे। जब आएगी ये फिल्म थिएटर में हम लोग एंजॉय करेंगे इसे थिएटर में, अभी इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, खाली इतना बोलना चाहूँगा कि आप सबकी टीम ने बहुत मेहनत की है, तो एक एक आदमी का परिश्रम इस फिल्म के लिए बहुत गुणकारी है, जब ये फिल्म हिट होगी तो एक एक बंदा अपने अपने क्षेत्र का सुपरस्टार बन जाएगा। तो भक्तजनों करके कमाल के चले हजारों साल और खूब कमाए हमारा प्रोड्यूसर माल, रहे हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर के नाल, और ये फिल्म मुंबई में भी पैसा कमाए और कमाए नैनीताल, यही तहे से दुआ दे रहा है सुनील पाल, लव यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सुनील पाल। हमारे अश्विन जी को मैं किस करना चाहता हूँ, ये हमारे कैरेक्टर आर्टिस्ट बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, और अश्विन जी के बारे में क्या कहूँ, ये तो रोमांटिक स्टार राजेश खन्ना साहब के साथ रह चुके हैं, तो राजेश खन्ना साहब ने इनको रोमांस सिखाया है,
आज भी इनकी 25 गर्लफ्रेंड है और मन में फिर रहता है कि भैया कोरा कागज था ये मन मेरा। तो मैं समझता हूँ कि आप सब लोग इस फिल्म को एंजॉय कीजिए, हिट करिए। मीडिया वालों से निवेदन करता हूँ कि मेरी फिल्म आ रही है बिग बॉस, लेकिन वो भी टाइम, उसके लिए भी टाइम है, अभी उसका प्रचार नहीं करेंगे। अभी फिल्म में बिग बॉस का प्रचार कभी नहीं करेंगे, ठीक है? जो फिल्म, कौन सी फिल्म? बिग बॉस उसका प्रचार अभी नहीं करेंगे, टाइम है अभी, नहीं टाइम अभी। प्लीज कोई बिग बॉस के बारे में मत पूछो, ठीक है? धन्यवाद, थैंक यू। कुछ कहना चाहते हैं आप? अश्विनी जी का अपना नाम अश्विनी है ना, कोई कोई मर्दों का नाम नहीं मिला? अश्विनी आप तमाम लोग मेरे यहाँ से माइक छीन लीजिए। और किसी अवन जी, हमारे दोनों आमंत्रित मेहमानों का स्वागत करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। I request you to उनका वेलकम किया जाए। लक्ष्मण जी को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे आमंत्रित मेहमानों का स्वागत करने के लिए। अब मैं हमारे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट और डिस्ट्रीब्यूटर एमडी जिन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में रिलीज कर चुके हैं, उनसे गुजारिश करूंगी कि वो मौके देकर मेहमानों का स्वागत करें। थोड़ा सा सेंटर में हो जाइए सर, तो अरविंद जी प्लीज जॉइन अस हियर। बुके दिया जाए, सर एक मिनट पीछा जाओ, सर एक मिनट अरे पीछा जाओ, देखिए आगे मत जाना। अब मैं सभी मेहमानों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हम जिस काम के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो करेंगे। हम इस फिल्म का म्यूजिक लॉन्च और ट्रेलर लॉन्च के लिए अंदर, आई होप मीडिया यू ऑल गॉट योर टेक्स, या कैन यू मूव फॉरवर्ड। इस फिल्म का बनाया है, इस फिल्म का पूरा श्रेय एतवारी सिंह जी को जाता है जिन्होंने अपनी इतनी बड़ी फिल्म बनाने के लिए हिम्मत की और जज्बा दिखाया, तो उनके लिए भी मैं जोरदार तालियां। और इस फिल्म के लिए मीडिया से मिलाने वाले मिस्टर राजेश मित्तल जी, ओनर ऑफ द मित्तल एडवर्टाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को हमारी कंपनी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। आप लोग तालियां बजाते रहे। इस कंपनी के सेक्रेटरी एवं सलाहकार अरविंद शिंदे जी, इस फंक्शन से हम उनका स्वागत करते हैं जिनका इस फिल्म को बनाने में काफी सहयोग रहा है। नेक्स्ट, अब मैं कड़के फिल्म के सारे आर्टिस्ट यानी कलाकारों को बधाई देते हुए उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूं। और सर आनंद जी आप भी हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां। विजय पाटकर जी भी, उनके लिए भी जोरदार तालियां। कोई बात नहीं, इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं कि, और इस फिल्म से जुड़े हुए हर टेक्नीशियन के, हेमंत बिरजे जी आप भी हैं,
उनके लिए भी जोरदार, क्योंकि तालियों में गड़गड़ाहट नहीं है, तालियां जोरदार होनी चाहिए, क्योंकि सर आप ले लीजिए, तो इनके लिए भी जोरदार तालियां। केतन फिल्म इंटरनेशनल ने भविष्य में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट का संकल्प लिया है। आप सभी से आशा रखते हैं कि 24 मई 2019 को रिलीज होने के लिए कड़के कमाल के इस हिंदी फिल्म को आप सभी का हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग इस फिल्म को जरूर देखें, और यहां पर इस टीम ने जितना भी हमारा काम किया है बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि जितने भी यहां पर शख्स हैं उनको आप लोगों ने, सब बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उनको आपने सभी ने टीवी में देखा होगा, और यहाँ पर जो है हमारे बहुत बहुत हम लोग सौभाग्य हैं जो यहाँ पर ये लोग आए, और इनका पुष्प गुच्छ के साथ हम स्वागत करेंगे, पुष्प गुच्छ के साथ इनका स्वागत करेंगे। जाओ जाओ तुम जाओ, ये लाओ, बहुत लेट हो गया, बुकलेट जाओ, बुके बुके ले पहले, ये बुके है, बुके आजा आजा, बुके कमाल के, और इन सब के लिए कहना चाहेंगे, खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कौन कब जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, जाने कौन कब जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में जिनसे ना बिछड़ने का रिश्ता बन जाता है। जी 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 सर, थैंक यू, आई एम सो लकी सर, लुक यार सर, एवरीबॉडी लुक यार, शतरंग की एवरीबॉडी लुक यार, मैडम तुम भी रखो इधर इधर, ओके आजे लुक यार, लुक यार, लुक एट द कैमरा, हिम्मत भाई ने बराबर एंगल पकड़े नहीं, ये फिल्म आपके केतन फिल्म्स इंटरनेशनल की बनाई हुई फिल्म है सर, ये फिल्म आपको 24 मई को ऑल ओवर इंडिया में 300 थिएटरों में रिलीज होने जा रही है, बस आप लोग दुआ कीजिए कि ये फिल्म चले और लोग अपने अपने देख पाए फिल्म को, अपने अपने जगह को, अपने अपने एरिया में, अपने अपने शहर में, यही मेरी दुआ है, और आप लोग भी कोशिश कीजिए अपने अपने दोस्तों को बताने की कि ये फिल्म जाएँ और थिएटर में ज़रूर जाकर देखें, धन्यवाद। तो आप सबको 24 मई को अपने अपने जगह के पास वाले थिएटर में जाना है, और 24 मई को याद रखें ये फिल्म रिलीज हो रही है। ये लोग फिल्म से जुड़े हुए हैं, सबको तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं, शुभेच्छा देता हूं, और ये फिल्म के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये इस फिल्म को सपोर्ट कीजिए, दिल से सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एक तो ये फिल्म, ये दो रीज़न के लिए सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत सारी टेरिटरी थी लेकिन नेपाल टेरिटरी में हिंदू और बॉलीवुड का रिश्ता थोड़ा सा कम, जितना होना चाहिए उससे बहुत कम स्तर पर है, तो इसमें नेपाल जाके हम सब ने शूटिंग की और वहाँ के सब लोकल आर्टिस्टों से मिले और उन लोगों का इतना प्यार मिला, और इस फिल्म के माध्यम से जो भी हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं तिवारी भाई, इन्होंने बहुत अपना मेहनत करके और दोनों संस्कृतियों को एक साथ जो है फिल्म के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है, तो हम सब लोगों ने कोशिश की है कि ये इनका एफर्ट, सबसे ज़्यादा अगर एफर्ट है तो लक्ष्मण जी, जिस तरीके से पूरे पैकेज को जिन्होंने जो है वो फिल्म को पूरी सजाया है और इस फिल्म को यहाँ तक पहुँचाने में पूरी यूनिट का पूरा योगदान है, लेकिन अतवारी भाई के लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए कि पैसे का रिस्क लेना और उसके साथ में जिस तरीके से पूरे कास्ट ग्रुप, आधी आधी नेपाली कास्ट, आधी हमारी इंडियन कास्ट, और सबका
पूरा कम्युनिकेशन और पूरे अच्छे तरीके से आई थिंक सब बधाई के पात्र हैं, नए लोग हैं और पहली फिल्म में सब नए होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जब जिंदगी सिखा देती है, थोड़ी फिल्में सिखा देती हैं, थोड़ी लाते सिखा देती, थोड़े घूसे सिखा देते हैं, उसके बाद हम सब पुराने हो जाते हैं। पूरी टीम को और ये नेपाल की जनता को जिन्होंने इस फिल्म को इतना सपोर्ट किया, वहाँ के सारे लोगों ने, और इस फिल्म के बाद हम नेपाल प्रॉमिस करके आए थे कि सभी कास्ट क्रू के साथ में एक नेपाली में हम लोग फिल्म, ऑल द बेस्ट सबको, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलिंद भाई आप भी आशीर्वाद दीजिए बच्चों को। सभी यहाँ फिल्म के कलाकार राजपाल भाई, विजय भाई, सुनील भाई और मित्तल जी, जिनके साथ मैंने पहले फिल्म की है झांसी की रानी, और काफ़ी पुराने तजुर्बेकार खिलाड़ी है हमारे लाइन के, प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब, सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं कि फिल्म बहुत अच्छी करें, एंड ऑल माय बेस्ट विशेस टू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। और मित्तल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया इतने अच्छे फंक्शन में, और सारे हमारे आर्टिस्ट भाइयों से मुलाकात हुई, पिक्चर देखी, बड़ी अच्छी लगी और ये ज़रूर चलेगी। ऑल दी बेस्ट फॉर फिल्म। थैंक यू। मेरे अच्छे दोस्त बन गए इतवारी जी। कहाँ है सामने 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 तो शुक्रिया लक्ष्मण जी, एडवानी जी, अजय जी, शुक्रिया। एक अच्छी कास्ट के साथ, एक अच्छी फिल्म के साथ मैं जुड़ा हूँ। सबने हमें आशीर्वाद दे दिए, हिंदू भाई ने, रवि भाई ने, तो आप भी हमें आशीर्वाद दीजिए कि ये फिल्म चले, हमारे साथ रहे। शुक्रिया। कमाल के तो उन्होंने मुझे मेरा हिम्मत बना दे होगा यार, फिल्म का जो नाम है वो तुम पे सूट नहीं करता, कड़के कमाल के। मैं अगली फिल्म बना रहा हूँ कंगाल कमाल की, उसमें तुम रहो। तो खैर जोक्स पार्ट, वाकई ट्रिपल के जब भी किसी फिल्म में आया है, जो प्रकाश जी ने इसका सिलसिला शुरू किया था, कौन कब और कहाँ, खुद करिश्मा उनके दामाद राकेश रोशन ने कैसे शुरू किया, क्रेजी फोर को भी उन्होंने कैसे जोड़ दिया, इसलिए थोड़ा सा फ्लॉप हो गई पिक्चर, क्योंकि वहाँ पे सी होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने वहाँ पर के रखा। फिर एकता कपूर ने के से क्या क्या किया आपको पता ही है, मतलब कल्ट बालाजी से सीधा अल्ट बालाजी हुई। तो मैं समझता हूँ ये के फैक्टर जो है के फैक्टर जो है ये फिल्म के टाइटल के लिए, एक के भी सुपर हिट होता है तो यहाँ तीन तीन के, डूबते को तीन के का सहारा। अब तीन के है तो ये फिल्म जो है कभी डूबेगी नहीं, क्योंकि इसके हाथ में सहारा मिल चुका है, और ये जितनी स्टार कास्ट है ये सारी हिट फिल्मों से जुड़ी हुई है, ये बड़ी लकी स्टार है सब लोग, जिस फिल्म में काम करते हैं सुपर हिट हो जाती है फिल्म में, तो मुझे लगता है कि ये इतिहास फिर से दोहराने वाले हैं। और अगली बार फिल्म जब बनाएंगे आमिर कमाल के, क्योंकि पैसा कमा चुके होंगे, तो उसमें आमिर का रोल मुझे दे दीजिएगा लक्ष्मण जी, और मैंने अपनी बातों से लक्ष्मण रेखा अगर पार की हो मित्र, आज मेरी शुभकामना है ये फिल्म सुपर हिट हो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर ये फिल्म सुपर हिट हो जाएगी, बहुत पैसे कमाएगी, बहुत सारा पैसा कमाएंगे, तो आप GST जरूर भरना। थैंक यू, बहुत बेस्ट। सर ये ठीक, अच्छा सवाल सुनने सुन तो सकते हैं ऐसे या बात ऐसे। ओके सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, दो 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 का सेट कर रहे हैं, दो दो का मित्र जी, दो दो का सेट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, करके कमाल के कैसा एक्सपीरियंस रहा, किस तरह की फिल्म है? हम लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस होता है, और कड़के कमाल के जो है एक इंडो नेपाली फिल्म कह सकते हैं, हिंदी फिल्म है, और जिसमें नेपाल की पूरी शूटिंग है और अपने मुंबई की शूटिंग है, और मिक्स एक्टर्स हैं,
तो अच्छा लगा कि दो संस्कृति बिल्कुल एक जैसी लगती है, उनको मिलाने की कोशिश की है। अच्छा है, लुक में बिल्कुल साल है, आप बिल्कुल लग रहे हैं नेपाली ड्रेस पहन कर, क्या कहना चाहेंगे? चलो अच्छी बात है कि जिस भी जो कैरेक्टर करने को मिलता है उसमें रच बस जाता हूँ ईमानदारी से, आप लोगों का आशीर्वाद मिल जाता है। थैंक यू। आपसे पूछना है किस तरह की स्टोरी है आपके किरदार के बारे में बात करें। मिलिंद भाई बताएं। जी, मैं कहा हूँ मैं शुभकामनाएं देने के लिए आया हूँ। किरदार इनका है। स्टोरी बहुत अच्छी, स्टोरी तो हम डिस्कशन नहीं करते हैं कभी, क्योंकि वो फिल्म ही बन गई, अब तो फिल्म देखें आप लोग स्टोरी। लेकिन सभी जितने भी नए पुराने सभी कलाकार अदाकार हैं, सब ने मेहनत से काम किया है और जो डायरेक्टर का इंटरप्रिटेशन है उसके मुताबिक काम करने की ईमानदारी से कोशिश की है। अच्छे है, मुझे लग रहा है प्रोडक्शन वैल्यूज बहुत अच्छे हैं, काफ़ी पैसे खर्च किए हैं प्रोड्यूसर ने, ओवरऑल फिल्म अच्छी लग रही है, हीरो हीरोइन अच्छे लग रहे हैं और बाकी जो तो राजपाल भाई और सब मजे हुए खिलाड़ी है इसमें, तो फिल्म डेफिनेटली अच्छी है और गाने अच्छे हैं, तो मुझे लगता है फिल्म चलेगी। थैंक यू। आज जी सवाल पूछे राजपाल दुश्मन नेपाल, राजपाल सुनील पाल और ये काला नेपाल तो करके कमाल के ये फिल्म के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रोमो बहुत अच्छा लगा, राजपाल भाई ने बहुत अच्छा काम किया और सारे ही कलाकार नंबर वन स्टार है, अपने अपने क्षेत्र में बहुत लकी रहे हैं, उन्होंने जितनी फिल्में की है सुपरहिट रही है, तो सब सुपरहिट लोगों का एक गुलदस्ता इस फिल्म में आ रहा है, तो मुझे लगता है जैसे एकता कपूर के टाइटल में एक के होता है, राकेश रोशन की फिल्म में एक के होता है, यहाँ तो तीन तीन के हैं, कड़के कमाल के तो डूबते को तीन के का सहारा आपने सुना होगा, तो ये फिल्म कभी नहीं डूबेगी क्योंकि ऑलरेडी इसमें तीन के है, तो मुझे लगता है कि 24 मई को ये फिल्म रिलीज हो रही है और कम से कम 124 करोड़ कमाने वाली है। बहुत अच्छे हैं सब, बहुत ही नए लड़के लड़कियां और जो नेपाली एक्टर्स जो कास्ट क्रू है और अपने इंडियन जो हैं बॉलीवुड के, वो तो आपने देखे ही, सबके चेहरे पहचाने हुए हैं। आर्यन बहुत ही अच्छा और नेपाल का बहुत ही अच्छा सितारा है आर्यन, और नीता भी बहुत ही अच्छी वहाँ की सुपरस्टार हैं, तो दोनों जो हैं बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं नेपाल में, और आज नेपाल और नेपाली इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री इस फिल्म के माध्यम से बहुत सारे दिन साथ काम करने का मौका मिला, ये बहुत खुशी की बात है और बड़ा प्यार मिला, और अच्छा लगा कि जैसे अलग अलग अपने इंडिया में टेरिटरी होती हैं कि ये फिल्म रिलीज़ की 10-12 टेरिटरी हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी इंडिया की जितनी फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन की टेरिटरी हैं उसमें एक नेपाल भी हमारी अपनी टेरिटरी। वाह, बहुत अपनापन लगा। नेपाल में लव इन नेपाल पहली हमने फिल्म की थी, ये दूसरी फिल्म है हमारी, नेपाल में बहुत भाव है, बहुत इज्जत एक दूसरे करते हैं, सब बहुत प्यार करते हैं। आई लव नेपाल, आई फील प्राउड ऑफ नेपाल। चार पांच फिल्में हैं जो वन बाई वन बन रही हैं, इसके बाद जाकोरा के साइया रिलीज होगी इस साल है, 6-7 फिल्में आपको देखने को मिलेंगी 2019 में, अलग अलग कैरेक्टर हैं। राजपाल भाई ऐसे वैसे देखा जाए तो नेपाल का माहौल भी चल रहा है, हर आदमी कह रहा है कि मैं भी चौकीदार चलो अब हम और कोई है? पुष्पा जी आइए। पुष्पा जी इसे सवाल कीजिए और उनकी आवाज़ बिल्कुल खलल नहीं पाई। राजपाल जी के साथ काम करना मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मैंने पहली बार काम किया राजपाल जी के साथ, इसके पहले सुनील पाल जी के साथ काम किया, हम लोगों ने भावनाओं को सीखियों में, और हम लोग नेपाल गए शूट करने के लिए, वहाँ बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छी लोकेशन थी, बड़े अच्छे प्यारे लोग हैं वहाँ पर, बड़ा अच्छा लगता था शूट करते हुए, और जितने कलाकार साथ में थे वो कमाल है, मैं तो बहुत नया हूँ उनके साथ में सीख रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा काम करके।
तो क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के आपके किरदार को लेकर? मैं इस फिल्म में एक नेपाली इंस्पेक्टर का किरदार निभा रहा हूँ जो अपने आप में बड़ा तेज तरार है, लेकिन उसको जो मामा और भांजे मुझे तो तरह से बनाते हैं पूरी फिल्म, लेकिन जब भी फिल्म का कुछ खास हंसी का पात्र होता है तो उसमें बुला लेते मैं आ जाता हूँ। शुभकामना जी, क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? पुष्पा जी, मैंने फिल्म देख मतलब जो भी अभी देखा, मैंने गीत प्रोमो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी इसकी खूबी है जो लग रहा है मुझे कि इतनी फास्ट है कि हमें कुछ ज़्यादा देर तक सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमें खुशी देते हुए पिक्चर निकल जाएगा। ये जो मेरा ऑब्जर्वेशन था और सही है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और फिर हीरोइन बहुत खूबसूरत लगी मुझे, मगर वो नज़र नहीं आई। दो लड़कियां हैं ना? नहीं नहीं, दो लड़कियां हैं, एक जिसने वो गाना गाया है कि जब छुआ मुझे कुछ हुआ, ऐसा कुछ गीत है ना, वो लड़की बहुत खूबसूरत है। खाने लगे, मैंने सोचा आप कुछ सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। भाई हो गया, कैमरा वाला उधर है क्या? सर सर सर, ओके ये बात तो प्रोड्यूसर साहब ही बताएंगे, अतवारी सिंह जी वो सब बताएंगे कि इन फिल्म में आपको कैसे कैसे जुड़े और किस तरह से बना के इतना बड़ा शोहरत प्राप्त करने जा रहे हैं, तो ये बताएंगे। तो आप बताइए थोड़ा दोस्त सब कि ये फिल्म अच्छे बनाए एकदम नेपाल और इंडिया के रिलेशन से, और पिक्चर बहुत अच्छा है, बढ़िया एकदम। हमने बहुत मेहनत की पिक्चर में, पूरे टीम लोग ने, काफ़ी सीन अच्छे हैं। और बस थैंक यू वेरी मच, आप लोग आगे देख लीजिए पिक्चर। थैंक यू। ये फिल्म काफ़ी अच्छी बनी है, लोकेशंस काफ़ी अच्छे हैं इसके, एक एक लोकेशन को पहुंचने के लिए दो दो दिन लगते थे क्योंकि ऑफ रोड जाना पड़ता था, वहां पर कोई प्रबंध नहीं था व्हीकल्स वगैरह का, तो ऐसे ऐसे लोकेशन लिए हैं। और क्लाइमेट वाइज भी काफ़ी मतलब लाइक बर्फबारी काफ़ी होती थी वहाँ पर, तो उस सबको मात देते हुए ये फिल्म बनाई है, काफ़ी अच्छी बनाई है। काफ़ी मतलब प्रोड्यूसर ने काफ़ी दिल खोल के बोलते हैं पैसा खर्च करके बनाई है, और ये नेपाल और इंडिया का एक रिलेशन अच्छा बनने की वजह से, ये पहली फिल्म है इंडो और नेपाल का जो रिलेशन काफ़ी अच्छा मजबूत दिख रहा है, तो आप ज़रूर देखिए ये पिक्चर। सर आप बताइए कैसे ऑन बोर्ड है? हाँ, ये अरविंद सिंधे जी ने और अतवारी सिंह जी ने जो कहा, इन्होंने बहुत ही मेहनत से बहुत खर्चे करके ये फिल्म बनाई है। जब मैंने ये फिल्म की प्रोमो देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये फिल्म ज़रूर चलेगी। मैं हर फिल्म, जो फिल्म भी मैं रिलीज करता हूँ, आज महीने में दो दो फिल्में रिलीज कर रहा हूँ मैं, ये आप लोग का आशीर्वाद है। लेकिन ये फिल्म देखने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये फिल्म ज़रूर हिट होगी, ये फिल्म ज़रूर चलेगी, क्योंकि ये दिल को छूती है, ऑडियंस के दिल को छूती है। आप अपने परिवार को ले जाकर, बाल बच्चे को ले जाकर साथ में ये फिल्म देख सकते हैं, कड़के कमाल के, जो आपको 24 मई को ऑल ओवर इंडिया में फिल्म रिलीज हो रही है। तो प्लीज़ आप अपने यहाँ, अपने क्षेत्र में, अपने दोस्तों से सबसे ये बताएं ज़रूर कि कड़के कमाल के थिएटर्स में जाकर वो देखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आइए इंडिया के कलाकार और नेपाल के कलाकार दोनों मिलके ये फिल्म बनाई है, और ये विनोद जी हैं म्यूजिक डायरेक्टर, और बहुत मेहनत की है, ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। आई थिंक पब्लिक को ये फिल्म पसंद आएगा। और हम बचपन के दोस्त हैं, बड़े दिल से काम किया है। सर स्टारकास्ट के बारे में कुछ बताइए कि स्टारकास्ट कैसे फाइनलाइज हुई और जैसे सब स्टारकास्ट हमको नेपाल शूट करना था, इसीलिए नेपाल का हीरो हमने लिया आर्यन अधिकारी,
और वहीं की टॉप हीरोइन है नीता डुमाला, ये लोग वहाँ के स्टार हैं, तो उनको कास्ट करने में यहाँ मतलब हम लोगों को अच्छा लगा क्योंकि वो कैमरे के सामने नए नहीं तो काफ़ी अच्छा किया। बस ये फिल्म देखिए, ज़रूर देखिए, बहुत मेहनत की है, अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है और आप लोगों को पसंद आएगा, ये अच्छी लगेगी आपकी। बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है और निसंदेह को बहुत बेहतरीन फिल्म बनी है और दो देशों के प्यार से, दो देशों के आपसी भाईचारे से और उनके मस्ती और मिजाज को एक साथ सम्मिलित करके जो फिल्म बनी है कड़के कमाल के, इसमें हिंदुस्तान में और नेपाल में दोनों देशों में समानांतर शूटिंग हुई है और दोनों देशों के कलाकार हैं और सौभाग्य की बात है कि ऐसी फिल्म में मुझे भी एक ऐसा किरदार करने को मिला, चूँकि मैं कॉमेडियन हूँ और कॉमेडी फिल्में, कॉमेडी सब्जेक्ट मुझे काफ़ी प्रेरित करते हैं और एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, आप लोग देखेंगे, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पलड़ा तो इस बार सच्चाई का भारी है और ये तय करना होगा कि सच कौन है, क्योंकि इस बार लड़ाई सच, अक्सर लड़ाई होती है ना सच और झूठ की, इस बार झूठ और झूठ की लड़ाई हो रही है, तो इसमें तय करना होगा, लोग तय करेंगे आने वाले दिनों में और मैं अपनी तरफ से पांचवे, छठे दिन में, आठवें दिन में एक जो भी सिनेरियो मैं देखता हूँ वो वीडियो बना करके डालता हूँ और पूरे देश दुनिया में पसंद किया जाता है। और कमाल की बात अभी मुझे मालूम पड़ा है कि मेरे वीडियोज़ पे लोग अपने व्यूज़ भी, अपनी ओपिनियन भी तय करते हैं, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। डराने वाला दयाशंकर पांडे जी का नाम कालीचरण है और हम लोग उनके राइट हैंड लोग हैं, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर ऐसा, और उनके जो गब्बर सिंह वाले जो अल्टरनेट डायलॉग है उसमें हम लोग ने बहुत मज़ा किया, उन्होंने भी बहुत मज़ा किया और फिल्म इंडिया नेपाल फ्रेंडशिप रिलेशन के ऊपर फिल्म है, उसमें राजपाल जी ने भी बहुत अच्छा किरदार किया है और आर्यन धर्माधिकारी जो अपनी फिल्म के लीड हीरो है, संगीता मैडम जो फिल्म की लीड हीरोइन है, उन्होंने भी अच्छा एक्ट किया है
और डायरेक्टर साहब लक्ष्मण जी, इन्होंने भी अच्छा ट्रीटमेंट दिया है, संजय सर प्रोड्यूसर ने, हम लोगों ने बहुत अच्छा एंजॉय भी किया और अच्छा काम भी किया। फिल्म का स्टोरी भी बहुत अच्छा है, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। और मैं इस माध्यम से मैं अपने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा, बिकॉज उनकी वजह से हम इस मूवी में सब साथ में काम कर रहे हैं। और आप लोगों से यही गुजारिश है कि आपकी बेस्ट विशेष हमेशा इस मूवी के साथ रहे, करके कमाल के। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, करके कमाल के। भले ही हम तीन लोग कार्टून नहीं दिखते, लेकिन फिल्म में दया शंकर जी के साथ हमने पूरी कार्टूनगिरी की है, क्योंकि जो दया शंकर जी का कैरेक्टर है वो विलन है, लेकिन वो भी एक कार्टूनिस्ट विलन है, और उनके तीन जो चेले हम कार्टूनिस्ट है, पूरी रोमांस भरी फिल्म है, पूरी जिसको बोलते कॉमेडी फिल्म है, पूरी एक मसाला पैकेज फिल्म है। मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ कि हर एक ने ये फिल्म जाके थिएटर में देखनी चाहिए, ऐसी देखने लायक फिल्म है। और ये फिल्म की वजह से भारत और नेपाल के पहले से ही बहुत अच्छे संबंध है, लेकिन इस फिल्म की वजह से भारत और नेपाल के सांस्कृतिक संबंध और दृढ़ हो जाएंगे, ऐसे इस फिल्म के माध्यम से मैं सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ। ये एक अलग मैसेज इस फिल्म से दिया जा रहा है, तो मैं आपके माध्यम से फिर से कहना चाहता हूँ भारतीय दर्शकों से, नेपाली दर्शकों से, कृपया थिएटर में जाइए और ये हमारी कड़के कमाल के मूवी देखिए, मूवी देखिए। भले ही हम कड़के लगते नहीं है, लेकिन कड़के कमाल के ये मूवी थिएटर में जाके देखिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।